हेलो स्टूडेंट आई एम प्रोफेसर सागर मोहिते टुडे वी विल टॉक अबाउट द सब इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड फिलिंग ऑफ एटी के टी एग्जामेशन फॉर्म फॉर डिसम्बर जानवरी डिसमेंबर सेन सीयर एक्चुअली

ओके एंड आफ्टर ट्वेंटी अप्रैल यू कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म बट यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा रुपीज 100 एज अ लेट फी ओके सो 30 अप्रैल से 5 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो लेकिन आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और ये जो फ़ी रहती है वो एक्चुअली सब्जेक्ट के हिसाब से रहती है मतलब आपने कभी एक सब्जेक्ट अप्लाई अपने कभी फेल हो और एक सब्जेक्ट का आपको फॉर्म भरने का है तो आपकी फ़ीज रहेगी टू हंड्रेड फाइव रुपीज़ अपने दो सब्जेक्ट में फेल हो तो आपकी फ़ीस रहेगी थ्री फोर्टी फाइव रुपीज़ और तीन और उससे ज़्यादा कितने भी सब्जेक्ट रहेंगे तो आपकी फीस रहेगी सिक्स फोर्टी फाइव रुपीज़ सिक्स एटी फाइव रुपीज़ दिस इज फॉर एक्चुअली एफ वाई बी एस वाई बी एफ वाई बी कॉम एस वाई बी कॉम ओके मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ये फीस एक्चुअली डिसाइड हुई है और इसमें आप कभी लेट फीस से साथ का आप देखोगे तो हंड्रेड रुपीज इंक्रीज हुआ होगा एक्चुअली थ्री थ्री नॉट फाइव है यहाँ पर टू नॉट फाइव था यहाँ पर थ्री नॉट फाइव है थ्री फोर्टी फाइव यहाँ पर यहाँ पर फोर फोर्टी फाइव यहाँ पर सिक्स एटी फाइव यहाँ पर सेवन एटी फाइव मतलब हंड्रेड रुपी आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया है यहाँ पर ओके okay? तो ये एक्चुअली लास्ट डेट देखिए ट्वेंटी नाइन अप्रैल है विदाउट लेट फी एंड फिफ्थ में है विथ लेट फी ओके दूसरा देखिए ये है एम ए एम कॉम एम ए के लिए एक्चुअली एम ए और एम कॉम के लिए एक्चुअली फॉर्म आया है वो भी एक्चुअली ट्वेंटी सेकेंड से चालू हो रहा है ट्वेंटी नाइन तक है ओके okay? ये विदाउट लेट फी विथ लेट फी विदाउट लेट फी है ट्वेंटी नाइन तक और थर्टी अप्रैल से फाइव मई तक एक्चुअली विथ लेट फी है हंड्रेड रुपीज़ विथ लेट फी है ओके दोनों के लिए चालू हुआ है और ये जो कुछ भी मैं एग्जाम एक, फॉर्म का बोल रहा हूँ वो जनवरी डिसम्बर सेशन के लिए मतलब जुलाई सेशन के स्टूडेंट के लिए यह फॉर्म नहीं है ओके ये जानवरी डिसम्बर दिसेंग, सेशन के जो स्टूडेंट है उनके लिए यह फॉर्म है और ये पूरा एक्चुअली एनुअल पैटर्न के स्टूडेंट के लिए है ओके okay? ये दोनों एक्चुअली ये एनुअल पैटर्न के स्टूडेंट के लिए पार्ट टू एंड एफ वाई बी ए बी कॉम एस वाई बी ए बी कॉम इनके लिए एक्चुअली एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी एक्चुअली निकल गए और ट्वेंटी नाइन्थ लास्ट डेट है विदाउट लेट फी विथ लेट फी पांच मई तक लास्ट डेट है ओके okay? बाकी के एक्चुअली जो नोटिस रहती है वो तो एक्चुअली सेम रहेंगे एक्चुअली मतलब जानवरी दिसंबर सेशन के जो स्टूडेंट है वही फॉर्म फिल कर सकते हैं ओके जुलाई सेशन के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल कर सकते और आपका जो आपको जो फॉर्म एक्चुअली जो आपको फिल करने का है तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना जरूरी है ओके okay, ऑनलाइन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है ओके okay? क्योंकि ये एग्जाम एक्चुअली स्टूडेंट रजिस्टर रजिस्टर इन द जनवरी 2022 विद देयर यूजर आईडी स्टार्टिंग कैन देयर एग्जाम फॉर्म इन द सेम लॉगिन मतलब आपने कभी एडमिशन लिया है करंट ईयर को मतलब आपको एफ में आप थे अभी एफ को आपने एडमिशन लिया है करंट ईयर में जनवरी डिसम्बर सेशन में तो आप एक्चुअली डायरेक्टली आप लॉगिन से आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हो लेकिन आपने एडमिशन करंट ईयर में नहीं लिया है आपका डी टू वन एफ क्यू कभी यूज़र आई स्टार्टिंग पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है टू वन से तो आपको एक्चुअली न्यू रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है तो आपका यूज़र नेम जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करने का है और आपका फॉर्म भरने का है लेकिन आपने कभी वैसा नहीं किया है मतलब आपने करंट ईयर को एडमिशन नहीं लिया है तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है ओके तो ये एक नोटिस है एक्चुअली ओके ये देखो यहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ओके जनवरी दिसंबर सेशन का ये चालू हो रहा है देखो यहाँ पर आप कभी क्लिक करोगे तो डायरेक्टली एक्चुअली ये वेबसाइट ओपन हो रही है यहाँ से कभी आपने करंट ईयर को कभी एडमिशन लिया है ऐसे डी डबल टू एफ क्यू ऐसे कभी स्टार्ट हो रहा है तो आप डायरेक्टली आप लॉग इन करके फॉर्म फ़िल कर सकते हो लेकिन आपने ऐसे एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो आपको रजिस्टर करना चाहिए पहले और आपके रजिस्टर करने के बाद आपको फॉर्म फिल करने का है ओके तो ये एक नोटिस ध्यान में रखना ओके तो डेट्स निकल चुके हैं ओके फर्स्ट एफ एफ वाई बी ए बी कॉम एस वाई बी ए बी कॉम एम एम कॉम पार्ट वन पार्ट टू ओके एनुअल पैटर्न स्टूडेंट जानवरी डिसम्बर सेशन ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर्म फिल कर दो ओके एग्जाम अभी अब कभी है तो अभी तक एक्चुअली पता नहीं है लेकिन एग्जाम का डेट्स एक्चुअली जल्दी ही एक्चुअली आ जाएगा इसी के बारे में एक्चुअली वो नोटिस आया था कि जनवरी दिसंबर सेशन का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है ओके तो इसका अभी फॉर्म भरना बाकी था इसकी वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गया था आप अब अभी फॉर्म भर दोगे तो एक्चुअली जून के स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाएगा ओके नहीं तो मई के एंड में नहीं तो जून के स्टार्टिंग में ये एग्जाम हो जाएगा ओके तो फॉर्म अब भर दो ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो शेयर कीजिए ये वीडियो ओके okay, आपके अदर फ्रेंड्स में ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच